बैक स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं? क्या मटेरियल की पहली क्लास आपने अच्छे से रिवाइज कर ली है? यस मैम, गुड। तो बेटा जी, ऐसे ऐसे धीरे 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 हम और आगे चलेंगे और आगे की क्लासेस में हम लोगों ने और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मटेरियल की लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर आज हम ईओ क्यू के ऊपर मेनली फोकस करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी पॉइंट रिमेंबर हमने पिछली बार लिखे थे, आप में उनमें से मेजर थिंग आज आप अपने हाथों से देखोगे, करोगे, एंड यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, राइट? फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेज के साथ। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या रखा है? फर्म रिक्वायर्स रॉ मटीरियल वर्थ 5,40,000 पर एनम, ईच यूनिट इज कॉस्टिंग 60 रुपीज। ओके, बट आप देखिए यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट दे रखी है पर एनम की, वो रुपीज में है, वो यूनिट्स में नहीं है। इट इज रुपीज 5,40,000, ईच यूनिट इज कॉस्टिंग 60 रुपीज। द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न प्रेवलेंट इन द मार्केट इज 12% एंड द स्टोरेज कॉस्ट इज 20 पैसा पर मंथ पर यूनिट, पर यूनिट पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज 48 रुपीज पर ऑर्डर। सो फाइंड ईओ क्यू एंड अदर रेलिवेंट डेटा। वट इज ए? हमारे को ए रुपीज में दे रखा है, हमने पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड किया, सो इट कम्स आउट टू बी 9,000 यूनिट्स, राइट? ओके, वट इज ओ? ओ इज ऑलरेडी गिवन टू बी 48 रुपीज। नाउ कम सी। सी के अंदर हमारे को कह रखा है कि 12% है ऑफ द पर यूनिट परचेज प्राइस, दैट इज 60 रुपीज, प्लस साथ में स्टोरेज कॉस्ट भी देखिए। स्टोरेज कॉस्ट आई नो इज अगेन अ कैरिंग कॉस्ट, आपको याद है ना, स्टोरेज कॉस्ट पिछली बार किया था। स्टोरेज कॉस्ट इज अ कैरिंग कॉस्ट। दो तरह की कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, वो दे रखा 20 पैसा पर यूनिट, इट्स गुड, पर यूनिट है तो गुड, बट पर मंथ भी है। तो इस मंथली को मेरे को एनुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम 60 का 12% का मतलब हुआ हमारा 7.20 और ये हमारा आ गया 2.40। सो टोटल कम्स आउट टू बी 9.6, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईओ क्यू। ईओ क्यू है अंडर रूट 2AO/C। अब मैं इसको डालना शुरू करती हूँ। देखिए, 2 A is 9,000 units, O is 48 units, और C आ रहा है 9.6. So let's start. 2 into 9,000 units into 48 divide by 9.6, it is equal to 90,000. और इसको मैं under the roots कर दूँ तो ये आता है मेरा 300 units. कितना आ रहा है बेटा? 300 units. So आपको कहा गया order EOQ क्यों निकालो, वो हमने निकाल दिया। Other relevant data, तो मैं रेलिवेंट डेटा में तो बहुत सारे डेटा निकाल सकती हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं है, डिपेंड करता है मार्क्स क्या है। फिर भी जो बेसिक बेसिक है वो तो निकाल ही लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स? द नंबर ऑफ ऑर्डर्स वुड बी 9,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 300 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 ऑर्डर्स। हाउ मेनी ऑर्डर्स? दिस इज 30 ऑर्डर्स। सो व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 30 ऑर्डर्स, एक ऑर्डर पे 48 रुपीज। 30 ऑर्डर 48 रुपीज इज इक्वल टू 1,440। सो वट इज कैरिंग कॉस्ट? नाउ कैरिंग कॉस्ट इज एवरेज स्टॉक, हमारे 300 डिवाइड बाय 2 इन टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये कितना आया जी? दिस इज 9.6 इंटू 300 डिवाइड बाय 2, सेम आना है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो दोनों सेम होते हैं। सो वट इज माई टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट वुड बी 2880। द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इज 2880। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, कोई पूछे टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑर्डरिंग क्या है, तो फिर तो ये है, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग, दिस इज 2880। बट अगर सपोज कोई पूछे कि टोटल कॉस्ट ही पूछे तो फिर क्या होगा? दैट वुड बी परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। मीन्स परचेज कॉस्ट कितना हुआ, राइट? परचेज कॉस्ट आपके पास था 9,000 यूनिट्स 60 रुपीज़ पर, ये तो हो गया 5,40,000 प्लस 1,440,
plus 1440. So this becomes 542880. 542880. So this is your total cost. क्या है बेटा ये अपनी total cost है जी हमारे को जितने पे cost को maintain करना है. Right, तो this is your total cost. पहले A, O और C निकाला हम लोगों ने, फिर EOQ को derive किया और उसके बाद देखना है अगर total cost of carrying ordering हो तो simple carrying ordering add करते हैं. बट अगर total cost word पूछे तो obviously हमारे को raw material का purchase price तो है ही है, साथ में carrying भी है और ordering भी है. तो चलिए मैं आगे चलती हूँ with our next part. And my next part is, so now let's start with question number 3. Anil Company buy its annual requirement of 36,000 units in 6 installments. Isko kehte hai beta ROQ. ROQ hota hai reorder quantity. Dekhiye EOQ tha jahan hum itna unit khareede ki hamari cost minimum ho jaye. Kitna unit khareede ki hamari cost minimum ho jaye. That is called as EOQ. बट अगर हम बोलते नहीं हमें उतना नहीं खरीदना हम तो कुछ और मंगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज ROQ. मतलब कहने का मतलब है ROQ वो क्वांटिटी है जो हमने खरीदा, राइट जो भी हम खरीदते जाएंगे दैट इज ROQ. बट एक पॉइंट पर वही क्वांटिटी हमारी EOQ बन जाती है क्योंकि वहां पर टोटल कैरिंग और ऑर्डरिंग मिनिमाइज कर जाता है. तो अभी बता रहे हैं कि अनिल जी अपनी 36,000 की रिक्वायरमेंट को 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदते थे. Each unit cost ₹1. So, हमारी annual requirement है 36,000 units की. This is question number 3. Right? The per unit purchase cost is coming out to be ₹1. Okay. Then, the ordering cost is 25. The carrying cost is 20% of the unit value. And unit value was 1. That is 20 paisa. Right? So find out the total annual cost of existing inventory policy. How much money can be saved by EOQ? So, हमारे पास अब दो चीजें आ रही हैं. एक वो बोल रहा है कि अगर मैं EOQ निकालूं तो हमारे पास क्या saving होगी. तो पहले मैं EOQ निकाल लेती हूँ फिर उसके बाद saving की बात करते हैं. What is EOQ? EOQ is 2AO by C. मैं निकालती हूँ. This is 36,000 units. O is 25 and this is 20 paisa. So 2 into 36,000 into 25 divide by 0.2 it is equal to 90 lakh aur under root kiya to iske andar aa raha hai 3000 units. Although Anil 6000 units khareed raha hai kaise 36,000 ko 6 installment mein khareed raha hai, right? So what is his present ROQ? Uski jo present ROQ hai जो प्रेजेंट रीऑर्डर क्वांटिटी है वो बोलता है 36,000 वो 6 बार में खरीद रहा है. दैट मीन्स ही इज परचेसिंग 6,000 यूनिट्स बट EOQ 3,000 यूनिट्स है. तो अब क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कितना सेविंग होगा अगर हम EOQ फॉलो करें तो, राइट? व्हाट विल बी आवर सेविंग इफ वी आर फॉलोइंग EOQ? सो लेट्स स्टार्ट. सो If Anil purchase ROQ of 6,000 units and if Anil purchase EOQ of 3,000 units. देखिए सारा साल कंजम्पशन तो सेम ही रहना है. आप चाहे एक एक किलो करके लेके आइए या आप सारा आटा एक साथ ले आइए, अल्टीमेटली बेटा जी आपने कंजम्पशन तो उतना ही करना है ना. आपका कंजम्पशन मतलब जितना क्वांटिटी आपने कंज्यूम करना है दैट इज गोइंग टू बी सेम. सो व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? परचेज कॉस्ट 36,000 यूनिट्स आप साल भर में खरीद रहे हैं. ₹1 उसका 36,000 का परचेज कॉस्ट है और कहीं कोई डिस्काउंट की बातें नहीं हो रही है. तो
चाहे आप ये खरीदिए या ये खरीदिए, अल्टीमेटली परचेज कॉस्ट तो सेम रह रही है। अब आती है जी कैरिंग कॉस्ट। नाउ कैरिंग कॉस्ट वुड बी 6000 डिवाइड बाय 2 इनटू सी, राइट, दिस इज इक्वल टू 600, और यहां पर आएगा 3000 डिवाइड बाय 2 इनटू सी, इट इज कमिंग आउट टू बी 300। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, यहां पर 36000 डिवाइड बाय 6000, वही 6 ऑर्डर आ रहे हैं, बता भी रखे थे 6 ऑर्डर, और एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज है, सो दैट मीन 6 ऑर्डर 25 रुपीज, इट बिकम्स 150। और यहां पर कितने ऑर्डर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं जो 3000 रुपीज के हिसाब से देर विल बी 12 ऑर्डर्स, एंड 12 ऑर्डर्स इंटू 25 इज अगेन इक्वल टू 300। सो जो हमारी टोटल कॉस्ट बन रही है वो क्या बन रही है, व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट, माय टोटल कॉस्ट हियर इज 36,750 और यहाँ आ रहा है 36,600। ओ बेटा जी, ये तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, आप बोलो मैम उसे 150 का डिफरेंस ही तो है। बेटा जहाँ यूनिट प्राइस 1 रुपए का हो, सोचो वहां 150 में तो 150 यूनिट्स एक्स्ट्रा आ जाते है ना। सो आप क्या बोलेंगे, द अनिल कैन सेव ₹150 पर एनम, ये पूरे साल भर का है, इफ ही परचेजेस एट EOQ। अगर वो EOQ खरीदता है तो फिर उसकी सेविंग ₹150 के हिसाब से है, ही विल बी परचेजिंग एट द 3000, मतलब 3000 यूनिट्स एक बार में खरीदना है, तो खरीदना तो 36,000 ही है, आप एक बार में खरीद रहे हो या 10 बार में खरीदो, बट यहाँ हमने उसको कहा कि नहीं बेटा तेरे को 10 बार भी नहीं खरीदना, तो 3000 करके खरीदना, दिस इज योर EOQ। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अगर कोई चीज रहती हो तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ये मैंने EOQ निकाला था, ROQ गिवन था, दिस वॉज प्रेजेंट ROQ गिवन, राइट, और फिर मैंने एक टेबल बनाया और देखा कि अगर अनिल ROQs के ऊपर परचेज करे, मतलब किसी भी क्वांटिटी में परचेज करे तो क्या होगा, और 3000 के हिसाब से परचेज करे तो क्या होगा, राइट, और फिर हमने देखा अनिल की अल्टीमेटली सेविंग क्या हो रही है। सो दिस इज द अल्टीमेट सेविंग ऑफ अनिल। अब मैं आगे चलती हूँ, आई एम गोइंग ऑन टू माई क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब की बार निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इफ द कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ EOQ, हमारे पास एनुअल यूसेज है 6750 यूनिट्स, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट इज 50 रुपीज, देन कैरिंग कॉस्ट इज पर मंथ है जी ये 2.5। अच्छा, ये जो यूसेज है क्या है, ये एनुअल है या मंथली है? मैम ये तो एनुअल दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि सी भी हमें कितना चाहिए, वो भी एनुअल ही चाहिए। एनुअल कितना बेटा, दिस इज 2.5% पर यूनिट पर मंथ, और पर मंथ का मतलब क्या हुआ, हमारे को कैसे करना है, पर मंथ की जगह हम पर एनम लेंगे, सो इंटू 12 करेंगे तो ये पर एनम आ जाएगा, एंड आई नो दिस इज अ परसेंटेज ऑफ पर यूनिट परचेज प्राइस। व्हाट इज अ पर यूनिट परचेज प्राइस, 50। So let's see what is it. This is 2.5% into 2.5 into 12% into 50. This is equal to 15 rupees. Quite high carrying cost. This is rupees 15. अच्छा, अब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आपको the total cost of carrying and ordering is 4,500. सो पहले तो मैं EOQ निकाल रही हूं। EOQ इज 2AO/C, मींस 2AO मालूम नहीं है जी, अपॉन सी, सो 2 into 6750 डिवाइड बाय 15, राइट, इज इक्वल टू 900। 900 का अंडर रूट तो ये हो गया, दैट मीन्स इज 30√O, राइट, सो ये जीरो ना लगे किसी को, इसलिए मैंने इसको थीटा की तरह बना दिया है। ओके, दिस इज माय EOQ।
ओके अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें मालूम नहीं है. अब वो बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इज 4,500. सो कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग लिखा है. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज इक्वल टू 4,500. दिस आई नो इज ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इनटू सी. दिस आई नो इज एओ बाय ईओक्यू. इट इज इक्वल टू 4,500. लेट्स पुट द डेटा. दिस इज 30 अंडर रूट ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन 2 इनटू सी. सी इज 15 प्लस सी इज ऑब्वियसली 15 है यहाँ पर. ए ए इज 6750. वट इज ओ मालूम नहीं. ईओ क्यू कितना है? ईओ क्यू इज 30 अंडर रूट क्यू, मतलब अंडर रूट ओ, राइट? 4,500. सो देखिए ये अंडर रूट और ये कट करके तो ये अंडर रूट ओ हो गया, राइट? ये जीरो कट गया और ये हमारे पास कट गया 15 हुआ, राइट? दिस इज 225 रूट ओ एंड दिस ऑल्सो 225 रूट ओ. This is equal to 4,500. So this comes out to be 450 root O. It is equal to 4,500. So root O is equal to 10 and O is equal to 100. So हमारा जो ordering cost है वो कितना आ रहा है? It is coming out to be 100, right? So ये मेरा ordering cost हुआ. Carrying cost और ordering cost का sum हमने formula डाला, चीजों को डाला और ultimately मेरे पास ordering cost आया, that is coming out to be 100 rupees, right? This is rupees 100. अब ये मेरा ordering cost आ गया है. उन्होंने कहा from the following calculate ordering cost per order if the company following the policy of EOQ, a company EOQ follow करे तो हमारा ordering cost क्या होगा, वो मैंने already calculate कर दिया है. तो चलो जी, this is done, right? मैं आगे चलती हूँ. So, ordering cost निकालना था, वो हमने निकाल दिया. Can you, do you want to see the calculations? सबसे पहले देखिए हमने parameters लिखे और इन parameters के साथ हमने O निकाल लिया, right? EOQ निकाल लिया. EOQ अभी एक undefined parameter में है और ordering cost हमें मालूम नहीं है. आप इस ordering cost को X मान के भी कर सकते हैं, वो under root X आ जाएगा. Okay, फिर carrying cost और ordering cost का sum दे रखा था, उस formula में डाला और हमने सब चीजें निकाली. And ultimately, it's coming out to be 100 rupees. Right, this is the ordering cost. We have found the ordering cost. Right, हम इसमें चाहे तो EOQ भी निकाल सकते हैं. EOQ was 30 under root O. That means equal to 30 under root 100. So this becomes 300 units. मैंने EOQ निकाल दिया है. वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं था. So मैंने फिर भी EOQ निकाल दिया. लो जी हो गया. ओके, सो नाउ वी आर ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैरिंग है और कौन सी चीज ऑर्डरिंग है. नाउ मेरे को ए निकालने का है, मुझे पता नहीं है. ओ में क्या क्या आएगा पता नहीं है. सी में क्या क्या आएगा पता नहीं है. लेट्स सी व्हाट इज इट. The purchase manager of an organization has collected the following data for one of the A class items. The interest on locked up capital, interest is obviously the carrying cost. Saman rakhne ke liye. Order processing cost for each order is 100. This is the ordering cost. Then inspection cost per lot. It is also ordering cost. Har order ke saath inspection cost lagegi. Follow up cost for each order. जो चीज पर ऑर्डर दे रखी है वो तो पक्का ही ऑर्डरिंग कॉस्ट है. देन पिल्फरेज वाइल होल्डिंग इन्वेंटरी. पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, खराबी. दिस इज अगेन कैरिंग कॉस्ट. अदर होल्डिंग, होल्डिंग इज नथिंग बट द अदर वर्ड ऑफ कैरिंग. कैरिंग को दूसरी कॉस्ट में होल्डिंग भी बोलते हैं. तो अदर होल्डिंग कॉस्ट इज 15%. अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर. ये भी पर ऑर्डर है, सो दैट मीन्स ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, राइट? एनुअल डिमांड is 5,000 units. It is equal to 5,000 units. The cost per item is 10 rupees, right? Cost per item is 10 rupees. So, ye C is a percentage of per unit purchase price. Nikal sakta hai ab. And unhone kaha discount for a minimum order quantity of 1,500 item is 10%. What should be the ordering policy of the purchase manager? Dekhiye,
एक तो हमारे पास ऑर्डरिंग पॉलिसी है EOQ, बट अब की बार बीच में उन्होंने हमें लालच देने के लिए डिस्काउंट दे दिया कि अगर आप 1500 यूनिट्स खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि पहले EOQ फॉलो करें तो क्या होगा और फिर डिस्काउंट आएगा तो क्या होगा, राइट? सो दिस इज इट। अब हम देखते हैं कितना आया, 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170, दिस इज इक्वल टू 400 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट? सो एंड देन दिस इज 4, सो कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज 4। अब मैं EOQ पे आ गई हूं, 2AO/C, O is 400, C is 4, so 2 × 5000 × 400/4 is equal to under root, this is coming out to be 1000 units. वैसे मेरा मिनिमम कॉस्ट पड़ना चाहिए 1000 यूनिट्स पर, बट अब की बार ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन्होंने हमें लालच देने के लिए क्या किया है, yes, इन्होंने हमें 1500 यूनिट्स के लिए बोला है कि अगर 1500 यूनिट्स होगा तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो बेटा जी चलो अब हम दो डीजल लेके देखते हैं कि अगर हम 1000 यूनिट्स खरीदे तो क्या होगा और अगर हम 1500 यूनिट्स खरीदे तो क्या होगा, राइट? सो लेट्स सी दैट। If manager purchase 1000 units, if manager purchase 1500 units, देखिए चाहे कुछ भी खरीदोगे ultimately जो आपका purchase cost है, right? आपको चाहे 1500 का खरीदें या 1000 का खरीदें, खरीदना तो उतना ही है, दैट इज 5000 यूनिट्स, बट यहाँ पे इसका परचेज प्राइस है 10, बट यहाँ पर आपके पास 1 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 10% of 10 1 रुपीज का डिस्काउंट है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 9। सो 9 रुपीज का आया ये। अब देखती हूँ मैं इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट क्या है जी, कैरिंग कॉस्ट कितना है, इट इज EOQ डिवाइड बाई 2, राइट? इट इज EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू C, और C कितना है हमारा यहां पर, 4 रुपीज, सो इट कम्स आउट टू बी 4000। वट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज आपने खरीदे 1000 करके, आपने टोटल खरीदना था, 1000 खरीदा है, दैट मीन्स दिस इज 5 ऑर्डर्स एंड द कॉस्ट इज 400 रुपीज, ये मैम 2000 आ रहा है, 4000 नहीं, आपने डिवाइड बाई 2 करना भूल गई, यस बेटा सॉरी। और ये कितना आया जी, 5000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 400 इज कमिंग आउट टू बी अगेन 2000। EOQ पे दोनों सेम होने भी चाहिए हमेशा, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है is equal to 50,000 plus 4,000, this is coming out to be 54,000. कितना आया, 50,000 plus 2 plus 2, that is coming out to be 54,000. But अगर मैं 1500 units खरीदूँ तो क्या होगा, तो 1500 divide by 2, right, average into carrying cost is 4 rupees, this is coming out to be 3,000. बट यहां पे क्या होगा, 5000 डिवाइड बाय 1500, मैम देखिए यहां पर अगर 5000 डिवाइड बाय 1500 करेंगे तो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर ऐसे आ रहे 3.33, तो क्या मैं इसको 4 ऑर्डर कर दूं, नहीं बेटा हम 3.33 लेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर जिस ऑब्वियसली 3.33 कोई ऑर्डर नहीं होता, 3 ऑर्डर के बाद आपको 4th ऑर्डर ही मंगाना पड़ेगा, बट 4th ऑर्डर में जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आए हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से ऊपर थे वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यूज होंगे, तो उसकी कॉस्ट नेक्स्ट ईयर डाली जाएगी, राइट? तो अभी हमने 1500 1 ऑर्डर, 1500 2 ऑर्डर, दैट मीन 3000, फिर 1500 3 ऑर्डर, 1500 × 3 ऑर्डर में 4500 यूनिट्स हो गए थे, अब सिर्फ 500 यूनिट और डालने थे, उस 500 के लिए ऑब्वियसली 1500 पूरा मंगाना पड़ेगा, तो 1500 हमने मंगाया, जो बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक की तरह बच गया, तो इसलिए उसकी कॉस्ट अभी अक्रू नहीं होनी है, इसलिए हम लोग 3.33 के हिसाब से ही चलेंगे। इंटू 5000 डिवाइड बाय 1500
400. So into 400 is coming out to be 1333. It is coming out to be 1333. So this is equal to 45,000. 45,000 plus 3,000 plus 1,333. It's coming out to be 49,333. So, beta ji, although ideally 1,500 per hamara minimum cost nahi aana chahiye tha, but kya kare? Yahan par unhone 10% discount de diya, bhaiya. Agar 10% discount hai, to ultimately fir to bahut hi achhi baat hai. Ultimately, hamare paas seedha saving zara moti si ho rahi hai. और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट मिनिमम हमारा इस सिचुएशन में आ रहा है. इसका मतलब ईओक्यू, जब आपके पास ट्रेड डिस्काउंट्स आना शुरू हो जाए तब ईओक्यू का जो आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं वो मिनिमम नहीं होएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट at 1500 units, the manager should buy 1500 units in one lot at a total cost of ₹49,333. कितना है टोटल कॉस्ट ऑफ 49,333? ये हमारा टोटल कॉस्ट आया और यहाँ पर हमारे को डिस्काउंट मिला. इज इट ओके? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया. सो उसको 1500 खरीदना चाहिए. ओके, ये बात समझ में आती है. इससे हमें एक बात और क्लिक करती है कि देखो, अगर डिस्काउंट हुआ तो फिर आपका ईओक्यू वाला जो एओसी अपॉन फॉर्मूला है वहां पे मिनिमम कॉस्ट नहीं आ रही है. डिस्काउंट्स आते ही आपको कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल के देखना पड़ेगा, राइट ना? सो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चल रहे हैं. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6. अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 5000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ 200 पर यूनिट. The per unit cost is 200 rupees and it requires 50,000 units at a cost of 200 per unit. So, I have got 50,000 units. Stock holding cost, matlab ki C, is 10% and is a policy of the company to purchase in the lots of 1000 units. और उन्होंने कहा है कि हम 1000 यूनिट्स के उसमें खरीदेंगे. डिफाइन मोस्ट इकोनॉमिकल, राइट? दैट मींस ईओक्यू दिया हुआ है, दिस इज 1000 यूनिट्स, क्योंकि यहां पर मोस्ट इकोनॉमिकल है और मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब ईओक्यू दिया हुआ है. लेबर रिक्वायर्ड इज ₹50 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. सो यहां पर कुछ लेबर कॉस्ट भी दे रखी. लेबर कॉस्ट इज 50 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड and variable overheads is 25% of labor cost. फिर आपको बताया गया है 2 units of output can be produced requires 1 raw material. 2 units of output can be produced from 1 unit of raw material. 1 unit raw material पर आपको क्या लग रहा है? 2 यूनिट का आउटपुट बन सकता है. द कंपनी वॉन्ट टू डिसाइड वेदर टू ट्रेड इन द आउटपुट इन परचेजिंग एट 165 और मैन्युफैक्चर द आउटपुट एंड देन सेल. डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर और टू ट्रेड. बेटा जी, यहां पर हमारे पास जो डिसीजन है वो है बनाए या खरीद के बेचे. क्योंकि खरीद के बेचेंगे तो हमारे को जो पड़ रहा है वो 165 का पड़ रहा है, और बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और मटेरियल भी लगना है. सो अभी EOQ मालूम है, A मालूम है, C मालूम, तो O निकलना है, राइट? और हमारा पर यूनिट परचेज प्राइस दिया हुआ, तो C भी निकला है, दिस इज 20. ये बात तो क्लियर हो जाती है. और हमें ये बताया गया है कि फैक्ट्री रिक्वायर 50,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल. इसका मतलब अगर एक रॉ मटेरियल कैन प्रोड्यूस टू आउटपुट
then 50,000 raw material can produce 2 into 50,000 that is equal to 1 lakh units of output. Right? तो अगर एक रॉ मटेरियल से दो आउटपुट बनते हैं तो 50,000 रॉ मटेरियल से आपके 1 लाख यूनिट्स आउटपुट बनते हैं. राइट मैम, ये बात तो समझ में आ गई है. अब हम क्या करें? सबसे पहले तो जी ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरफ चलते हैं. आई नो दिस इज इक्वल टू 2AO/C. दिस इज गिवन टू बी 1000. दिस इज गिवन टू बी हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, दिस इज 50,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम नहीं है. और सी कितना आया था? 20 रुपीज. सी आया था 20 रुपीज. ओके, सो 2 into 50,000 डिवाइड बाय 20, इट इज इक्वल टू 5,000. सो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड दिस बिकम्स 5,000 ओ. So, O is coming out to be divided by 5,000. It's coming out to be 200 rupees. So, ordering cost is rupee 200 per order. Right? This is ordering cost. Mera ordering cost ready hai. Ab mujhe kya batana hai? Unko decision batana hai कि जी हम मैन्युफैक्चर करें या परचेज करें. सो मैंने क्या लिखा? इफ वी मैन्युफैक्चर, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं कि अगर हम अपने आप मैन्युफैक्चर करें तो क्या होगा. तो सबसे पहले मेरे पास आता है कॉस्टिंग देखना. तो मटेरियल के अंदर हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट आ रही हैं. सबसे पहले आ रहा है परचेज कॉस्ट. राइट, परचेज कॉस्ट 50,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है, 200 रुपीज का रॉ मटेरियल है. सो ये बन रहा है जी हमारा हंड्रेड लैक्स, दैट इज 1 करोड़. राइट, दिस इज 1 करोड़. नाउ कम्स कैरिंग कॉस्ट. आप कितने कितने लॉट में खरीद रहे? 1000 यूनिट्स के लॉट में खरीद रहे हैं. डिवाइड बाय 2 into कैरिंग कॉस्ट वॉज, कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट वॉज 20 रुपीज. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10,000. व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? हमें साल भर में 50,000 खरीदना था. हम 1000 यूनिट्स एक बार में खरीदे, दैट मीन 50 ऑर्डर्स. एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट वी हैव कैलकुलेटेड वाज 200 रुपीज. सो 50 ऑर्डर्स इंटू 200 रुपीज इज कमिंग आउट टू बी अगेन 10,000. ये तो आ गई जी मटेरियल कॉस्ट सारी. राइट, दैट मीन्स परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलाकर. अब देखते हैं लेबर में. लेबर कहते हैं लेबर जो लगेगी 50 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है. और कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं. बताया था ना, एक रॉ मटेरियल में दो आउटपुट बन रहे हैं. एक रॉ मटेरियल में दो आउटपुट बन रहे हैं. तो 50,000 रॉ मटेरियल में कितने आउटपुट बनेंगे? 1 लाख. सो दिस कम्स आउट टू बी 50 लैक्स. एंड व्हाट इज वेरिएबल ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड्स आर 25% ऑफ 50 लैक्स. This is 1,250,000. So, मेरा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है देखिए, दिस इज 1 करोड़, दिस इज 10,000, दिस इज 10,000, दिस इज 50 लाख, दिस इज 1,250. सो दिस बिकम्स 1,62,70,000. दिस इज माई टोटल कॉस्ट. राइट, और टोटल यूनिट से डिवाइड करूं, व्हाट आर माई टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? माई टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस इज 1 लाख. सो
मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है वो आ रहा है 162.70। अगर मैं ट्रेडिंग करूं ऑप्शन नंबर टू, अगर मैं ट्रेडिंग करूं दैट मीन्स मेरा परचेज कॉस्ट पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा था 165 पर यूनिट। सो बताइए कौन सा बेहतर है। ऑब्वियसली मैम दिस इज बेटर बिकॉज ये 162.7 है और अगर हम बाय करेंगे तो 165 होगी जो ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो हमारे आंसर क्या है, वो बोलते हैं अब बताइए वेदर वी शुड डिसाइड टू मैन्युफैक्चर और टू ट्रेड। तो हमें बोलना चाहिए द कंपनी शुड मैन्युफैक्चर। Should manufacture the product as it would save rupees 2.30 per unit. Right, तो हमने देखा कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो manufacture करना चाहिए कि परचेज करना चाहिए। तो हमने देखा परचेज वाला ऑप्शन तो सस्ता नहीं पड़ रहा जी, उसी कॉस्ट ज़्यादा है। हमारी कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होने के बावजूद भी हमारी जो ये कॉस्ट है ये कम पड़ रही है। राइट, सो दिस इज इट। राइट, अब हम आगे चलें। आप सबने क्वेश्चन देख लिया है, वो फिर से देख सकते हैं आप। देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ था क्वेश्चन, पहले मैंने सारे डेटा लिखा था है ना, और सारा डेटा लिख करके हमने देखा था कितने यूनिट्स प्रोड्यूस बनेगा। That is, we found that we will be producing 1 lakh units of output. So, हमने 1 lakh unit के लिए तैयारी किया और फिर हमने पूरी की पूरी cost को compare करना है। I hope आपने काम कर लिया। Then EOQ से हमने ordering cost निकाला। Okay, so now this is we are manufacturing things and this is what we are purchasing. So now we are on to question number 7 और ये हमारा third टाइप है EOQ का, दैट इज टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड कहाँ यूज करते हैं, लिखिए बेटा टेबुलर मेथड के बारे में। टेबुलर मेथड इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड व्हेन there are discounts. ये वो method है जो basically discounts अगर हो तो use करते हैं। Wherever there are discounts then we use tabular method. Okay? So question कहता है that the firm is able to obtain quantity discounts on its order of material as follows. आपके परचेज प्राइस पर टन दे रखा है 6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6 और टन्स दे रखे हैं कि इतने से इतना खरीदोगे तो ये होगा। राइट, बट एक बात है, अगर सपोज करिए कोई बोलते 200 to 800 आपको एक ही प्राइस पड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं तो कम ही खरीदूंगी ना, है ना। अगर मैं ज़्यादा क्यों खरीदूंगी भला फिर। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि हमारी जो एनुअल डिमांड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एनुअल डिमांड इज 4000 टन्स। द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज प्राइस, व्हाइल द डिलीवरी कॉस्ट इज 8 rupees पर ऑर्डर एंड दैट्स इट। आपको पूछा गया व्हाट क्वांटिटी वी शुड परचेज, कि जहां पर हमारे पास द ऑर्डर वुड बी सप्लाइड एज अ होल, मतलब ऑर्डर हमेशा पूरा दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। जब भी हमारे ऑर्डर पूरा मिलेगा, ऑर्डर आधा फ्रैक्शंस में नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि हमारे को ऐसा ढूंढना है जो हमारे लिए बेस्ट हो। सो लेट्स कम ऑन एंड अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन है EOQ का, इसके ऊपर फिर हमारे EOQ के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बाद में टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा, वो बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो चलिए जी, वैसे तो EOQ क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि हम लोग आगे मिनिमम लेवल पे भी कुछ ना कुछ EOQ का काम करेंगे, बट स्टिल अभी फॉर टाइमिंग खत्म हो जाएगा। राइट, तो अभी हम टेबुलर मेथड पे शुरू करते हैं। व्हाट इज माय टेबल अबाउट?
ऑब्वियसली आपको नाम में समझ में आ रहा है कि टेबलर मेथड का मतलब एक टेबल है, यहाँ पर हमें टेबल बनाने का है। किस टेबल को बनाने का है देखते हैं, हमें अभी आपने लिखना नहीं है, ये आप मेरे साथ मेरे मतलब मेरा काम होने के बाद नोट डाउन करेंगे। स्लैब हमें दे रखी है, उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे स्लैब कैसे दे रखी है, 1 to 200। ऑब्वियसली 0 to 200 तो हम लिखेंगे नहीं ना, बेवकूफ़ी वाली बात है, 0 में तो परचेज करने में कुछ होगा ही नहीं। देन कम्स 201 to 800, देन 801 to 2000, एंड 2001 to 4000, वैसे उन्होंने 2000 less than 4000 बोला था, राधर मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है 200 to 799, less than 800 बोला, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, राइट, दिस इज 800 और less than 2000 मतलब 1999, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2000 एंड दिस इज 3999 एंड दिस इज 4000 यूनिट्स एट वन गो। ओके, नेक्स्ट कम आता है हमारे पास, हम कितना क्वांटिटी मंगाएं। ऑब्वियसली कोई भी बंदा अगर स्लैब में है तो ज्यादा क्वांटिटी क्यों खरीदेगा, जहां मुझे प्राइस अगर 200 मिल रहा है तो मैं 799 क्यों खरीदूंगी भला, मतलब मैं यहाँ पर तो 200 यूनिट्स खरीदूंगी, यहाँ पे मैं 800 यूनिट्स खरीदूंगी, अगर मेरे को इस स्लैब का प्राइस लेना तो 2000 यूनिट्स खरीदूंगी, और इस स्लैब के प्राइस में मेरे पास 4000 की ऑप्शन, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट ये थी, यहाँ पे एक ले लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स, व्हाट इज द परचेज प्राइस, माय परचेज कॉस्ट, 1-1 करके खरीदो या जो मर्जी खरीदो, आपका एनुअल रिक्वायरमेंट तो 4000 टन ही रहना है, बट अब की बार रेट मिलेगा 6 रुपए, यहां 200 200 200 200 का ही खरीदेंगे, अब की बार रेट मिलेगा 5.9, यहां पर हम 800 800 800 का ही खरीदेंगे, रेट मिलेगा 5.8, और यहां पर हम 2000 2000 2000 खरीदेंगे तो दिस इज 5.7, और ये 4000 एक ही बार में खरीद लेंगे तो ये आएगा 5.6। ओके, सो ये आया मेरा परचेज कॉस्ट। अब आता है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड माय कैरिंग कॉस्ट। And comes my total cost, ordering cost, 4000 अगर मेरे को पूरा साल में चाहिए और 1 1 1 1 रोज एक यूनिट खरीदूं तो ओ बेटा जी ये तो बहुत सारा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगा, बट अगर मैं 200 एक बार में खरीदूं तो ऑब्वियसली 20 ऑर्डर्स होंगे और 8 रुपीज के हिसाब से लगेगा, और अगर मैं 800 एक बार में खरीदूं तो 5 ऑर्डर्स लग रहे हैं, 8 रुपीज इज द कैरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 4000 एक बार में खरीदूं, सॉरी 2000 खरीदूं तो मेरे पास 2 ऑर्डर में आ जाएगा काम, दिस इज 8 रुपीज, राइट, एंड अगर मैं 4000 का 4000 एक ही बार में खरीद लूं तो ऑब्वियसली दिस इज 8, दिस इज 16, देन 5 8 40, दिस इज 160, and this is too much, 32000. okay, okay, what is the carrying cost, 1/2 × 20%, what is the carrying cost, it was 20% of 6, this is 200 ÷ 2 × 20% of 5.9, this is 800 ÷ 2 × 20% of 5.8,
दिस इज 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू 20% ऑफ 5.7, देन 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू 20% ऑफ 5.6. सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट. This is equal to 0.6. This is 24,000. So 24,000 and 32,000. This is 56,000. 60 paisa. Then comes 4,000 into 5.9. It's coming out to be 23,600. Right? Okay. What is the price? 200 divided by 2 into 20% into 5.9 is equal to 118 plus 160 plus 118 is equal to 23878. Now let's go. 4000 into 5.8 आता है हमारा, this is 23,200, right? अच्छा ये आगे क्या आ रहा है? 800 divided by 2, 400 into 20% into 5.8, this is coming out to be 464, right? So 23,200 plus 40 plus 464, it's coming out to be 23704. Come on, next. 4000 into 5.7 aata hai 22,800. Acha, ab aage kya hua? This is 2000 divided by 2 into 20% into 5.7 is equal to 1140. So ye hamare memory mein add ho gaya. और ये आया प्लस 16, तो हमारे पास ये आया 23956. अब आगे चलते हैं. सो 4000 इंटू 5.6 कमिंग आउट टू बी 22400, राइट? सो 2000 इंटू 20% इंटू 5.6 इट इज इक्वल टू 2240. सो हमने 2240 को 22400 में ऐड किया प्लस 8, This is equal to 24,648. So, हमने देखा इतने सारे calculations के बाद, ये मेरा पूरा table calculate हुआ जी. देखो जी, हमने हर option पे निकाल करके उसके अंदर carrying cost, ordering cost निकाला. ये सारा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा हर slab पर अलग अलग discount है, और discount आते ही EOQ का formula तो गड़बड़ हो जाता है. जब गड़बड़ हो गया तो इसकी वजह से हमें टेबुलर मेथड यूज करना पड़ता है. तो टेबुलर मेथड कब यूज करेंगे? जब आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा. सो अब देखिए, ये कॉस्ट है जो मिनिमम है. पहले से ये कॉस्ट पहले ज्यादा थी, फिर उसके बाद कम हुई, और उसके बाद फिर ज्यादा हो गई. आपने देखा था टोटल कॉस्ट ग्राफ का जो हमने बनाया था वो ऐसे ही था. पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, और फिर ज्यादा हो गया, है ना? सो दिस इज टोटल कॉस्ट इज 23,704. सो हमारा आंसर आया, आंसर इज दैट EOQ इस कितने यूनिट्स? 800 यूनिट्स पर ये आ रहा है जी. ऑब्वियसली जब मेरे को 800 पे मिल रहा है तो मैं 1999 पे क्यों जाऊंगी, राइट? मेरा हमेशा मन क्या करता है, मैं कम से कम सामान संभालू, मैं कम से कम चीजें करूं, है ना? सो व्हेन EOQ इज 800 यूनिट्स बिकॉज द टोटल कॉस्ट is minimum at this point. Total cost yahan minimum hai, which amounts to ₹23,704. Kitna hai beta? This 23,704. So आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी. EOQ से रिलेटेड क्या क्या सीखा एक बार गो थ्रू करके आए. सबसे पहले
हमने आज की क्लास में सीखा क्वेश्चन नंबर टू के अंदर, और इसके अंदर हमने सीखा था दैट कैरिंग कॉस्ट दो पार्ट्स में हो सकता है, और दूसरी बात अगर पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके पहले एनुअल कन्वर्ट करेंगे फिर आगे काम होएगा। ये काम सीखने के बाद प्लस यहाँ पर एनुअल ए रुपीस में था तो मैंने उसको यूनिट्स में कन्वर्ट किया, ये सारी बातें सीखी हमने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हम देखा एक नया वर्ड सीखा आरओक्यू। आरओक्यू मतलब अगर मैं आरओक्यू मतलब कितना क्वांटिटी खरीदे, बट यही आरओक्यू ईओक्यू बन जाता है जब कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो मतलब ईओक्यू इज नथिंग बट आरओक्यू, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां कॉस्ट मिनिमम है उस पॉइंट को हम आरओक्यू एक स्टार लगा देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ईओक्यू, राइट। तो हमने सीखा अनिल ने ऑल द 6000 यूनिट्स खरीदने की बात कर रहा था, बट यहाँ पर वो 3000 यूनिट्स हमने कहा ईओक्यू है, खरीद के देखो तो देखा अनिल सेव कर सकता था। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर फोर में भी एनुअल और मंथली का चक्कर था वो देखा, प्लस हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना सीखा, मीन्स एवरीथिंग इज गिवन हाउ टू कंप्यूट द ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव में देयर मेनी वेराइटीज ऑफ ऑर्डरिंग एंड मेनी वेराइटीज ऑफ कैरिंग, तो ये सारा हमने एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पहले लिया ही था, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, कैरिंग है ऑर्डरिंग है, उसके हिसाब से हम सारा कैलकुलेट करेंगे। और फिर हमने डिस्काउंट कब देखा, यहाँ पर भी डिस्काउंट आया था, तो अल्टीमेटली परचेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल करके ही टोटल कॉस्ट निकाला था और उसके हिसाब से ही हमने डिसीजन लिया था। एंड देन वी स्टार्टेड दैट अगर ये रॉ मटेरियल से कई सारे आउटपुट बन रहे हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल से दो आउटपुट बन रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम, लेबर ओवरहेड सब में फर्क पड़ रहा था, वो सब हमने देखा। एंड देन वी हैड सीन द टेबुलर मेथड ऑफ ईओक्यू, ये तब यूज होता है जब जब भी डिस्काउंट आ जाए, तो ईओक्यू का फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। ईओक्यू का फॉर्मूला सिर्फ तब काम करता है जब प्राइस कॉन्स्टेंट हो। सो एज अ रिजल्ट हमने पूरा टेबल बनाया है, और इस टेबल बनाने के बाद हमने देखा कि जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम है वही मेरा ईओक्यू बनता है। इज इट ओके? सो आज की क्लास यही खत्म होती है बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमने यही काम खत्म किया, और हम अगली क्लास में मिल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगली क्लास में तैयार होके आइएगा, बट नहीं 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 ऐसे नहीं जाने दूंगी आज मैं, आज तो होमवर्क का डे है। सो आज तो हमने होमवर्क लेना है, होमवर्क करना भी है, तो अभी हम होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करिए बेटा जी, 22 करिए, 23 करिए, 24 करिए, राइट, 25 भी कर सकते हैं, 26, 27, 28, 29, 30। बस मैम बस, नहीं नहीं हालत खराब करोगे क्या? अरे हालत तो खराब होनी है आपकी, अब पढ़ने बैठे हो, देखो ओखली में सर दिया तो सर तो पढ़ोगे तो होमवर्क तो मिलेगा ही। तो 31 एंड देन 32 एंड देन 33 नहीं चाहिए, ओके 32। सो अपन होमवर्क करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 तक, राइट। यहां से लेकर 22 से 32 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 11 क्वेश्चन हैं, 5-5 मिनट्स भी लगा लीजिए तो अपना काम पूरा हो जाएगा, राइट। सो अगली क्लास में होमवर्क करके आना है, रिवीजन करके आना है, मैं आगे चलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू फॉर नाउ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।